ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। प्लम्स लॉकडाउन सीरीज में ज्योग्राफी में हम लोग देख रहे थे क्लाइमेटोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स, जिसमें से लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइक्लोन को स्टार्ट किया हुआ था और मल्टीपल चीजें हम लोगों ने साइक्लोन में डिस्कस की थी, बट वो डेडिकेटेड टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स था। फटाफट स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं थंडरस्टॉर्म और टॉर्नेडो के बारे में, देखेंगे क्या कुछ है, कैसे बनता है, क्या वार्निंग सिस्टम होती है एंड ऑल दैट क्या चीजें हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल कोर्सेज, मेंस स्पेशल कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। एक बार फटाफट लास्ट क्लास को अगर डिस्कस किया जाए, एक बार रिवाइज किया जाए क्या क्या कुछ हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में देख रहे थे और हम लोग टॉपिक्स को नोट डाउन करके रखे थे, जिसमें से आज हम लोग देखने वाले हैं थंडरस्टॉर्म एंड टॉर्नेडोज के बारे में। इन द सक्सेसिव नेक्स्ट क्लासेस वी आर गोइंग टू सी नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स एंड टेम्परेट साइक्लोन, और साथ ही साथ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या डिफरेंस है। फिर हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिस्कस किए हुए थे, जहां पर हम लोगों ने इसके बारे में देखा था कि क्या कुछ होती है। इसमें हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर देखिए एक थंडरस्टॉर्म का एक छोटा सा टाइप हम लोगों ने देख लिया था कि व्हाट एग्जैक्टली द थंडरस्टॉर्म इज। इसके बारे में हम लोग और डिटेल्ड डिस्कशन आज करने वाले हैं। फिर हम लोगों ने कंडीशंस फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात किया था, जहां पर सी सरफेस टेम्परेचर, कोरियोलिस फोर्स, विंड एंड अपर एयर सर्कुलेशंस के बारे में हम लोगों ने देखा था। इन सब चीजों को देख करके फिर हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स के बारे में बात किया था कि क्या क्या तरीके हो जाते हैं, और इस तरीके से हम लोगों ने ये एक पूरा का पूरा जेनेसिस देख लिया था कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। हम लोग आगे बढ़े थे और हम लोग बेसिकली देखे थे इसके पूरे के पूरे डेवलपमेंट के बारे में। फिर हम लोगों ने कुछ टेक्निकल वर्ड लाइक आई और आई वॉल के बारे में देखा हुआ था, और फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने देख लिया था इसका वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और इस तरीके से हम लोगों ने वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे थंडरस्टॉर्म के बारे में। फटाफट देखेंगे क्या थंडरस्टॉर्म है और उससे क्या रिलेटेड चीजें हैं। तो फटाफट देखें अगर सिस्टम, तो देखिए ये होती है बेसिकली थंडरस्टॉर्म, जहां पर बहुत ही शॉर्ट टाइम में काफी इंटेंस रेनफॉल होती है। तो इस इंटेंस रेनफॉल के लिए बेसिकली तीन तरीके का स्टेज होता है, जिसे हम टावरिंग क्यूमुलस स्टेज, मैच्योर स्टेज और डिसिपेटिंग स्टेज, तीन नामों से जानते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यही समझ लीजिए कि आखिर में थंडरस्टॉर्म होता क्या है। थंडरस्टॉर्म का मतलब यही है इंटेंस रेनफॉल, दिस इज इंटेंस रेनफॉल, और इस इंटेंस रेनफॉल का मतलब यही है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में काफी ज्यादा हाई रेनफॉल रिसीव होना, इसी को बोलते हैं हम लोग थंडरस्टॉर्म। बट यहाँ पर कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे लाइटनिंग की, मतलब कि लाइटनिंग यहाँ पर काफी ज्यादा होती है और साथ ही साथ में काफी ज्यादा आवाज भी होती है। तो बेसिकली लाइटनिंग के साथ साथ यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा साउंड नॉइज भी होती है। अब यहाँ पर अगर बात करें हाउ दिस थंडरस्टॉर्म डेवलप, तो ये थंडरस्टॉर्म बेसिकली होती है बिकॉज ऑफ द लोकल कंडीशंस। इस लोकल कंडीशन का मतलब यही होता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा हॉट टेम्परेचर जनरेट होता है, जिसके कारण से लो प्रेशर जनरेट हो जाती है, और इस लो प्रेशर अल्टीमेटली थंडरस्टॉर्म को जन्म देता है। किस किस फॉर्मेट में? सबसे पहले होती है जहां पर क्यूमुलस क्लाउड टावर हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। नंबर 2 स्टेज आती है जिसको मैच्योर स्टेज बोलते हैं, और लास्टली 3rd स्टेज आती है जिसे हम लोग डिसिपेटिंग स्टेज बोलते हैं। क्यूमुलस स्टेज में होता क्या है कि बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर के कारण से, अब ये हाई टेम्परेचर कहां मिलेगा, सबको पता है डोल्टरम इलाके में ही मिलने वाला है। इनफैक्ट इंडिया के बारे में अगर बात किया जाए तो इंडिया में जैसे केरला कोस्ट पे इस तरीके का टेम्परेचर हमें देखने को मिल जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर मैंगो शावर, काल बैसाखी, इस तरीके की चीजें हम लोग बोल देते हैं। होता क्या है कि बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर लैंड का, ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पर ये लैंड ही होता है, वाटर बॉडी नहीं होती है। उसके पीछे रीजन यही है कि वाटर बॉडी इतना जल्दी लो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाती है, तो लैंड बॉडी पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली हवा जो होगी, जो यहाँ पे वार्म एयर होगी, वो तो ऊपर उड़ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर तो ये ऊपर उड़ गई, और इस खाली, मतलब ये एरिया तो पूरा का पूरा आपका खाली हो गया, तो इस खाली एयर को फिल करने के लिए बाहर से कोल्ड विंड्स आती हैं। तो इस तरीके से बाहर से कोल्ड विंड्स आती हैं और ये कोल्ड विंड अल्टीमेटली बहुत तेजी से आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। इनफैक्ट स्पीड के बारे में बताएं तो 60 to 100 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड होती है और इसी को हम लोग बोलते हैं आंधी आ रही है। और यही आंधी बेसिकली होती है बहुत ही स्पीड वाली कोल्ड विंड्स। इसीलिए जब आंधी आ रही होती है तो हल्का हल्का मौसम ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर रिलेटिवली गिर जाता है और टेम्परेचर गिरने के कारण ऑब्वियसली जो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी बढ़ जाएगी और इस कारण से आंधी आने के तुरंत बाद रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आंधी आने के बाद रेनफॉल क्यों होती है। जब ये रेनफॉल काफ़ी इंटेंस हो जाती है और बादल चमकने लगता है, मतलब कि बिजली कड़कने लगती है, लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। तो दिस इज लाइक लोकल कंडीशन और ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली फैला होता है, लगभग लगभग हर जगह पर ही पाया जाता है, लेकिन केवल उन जगहों पे जहां पर ये लो प्रेशर क्रिएट हो रही होती है। तो मेनली ये होती है कहां पर, एक तरीके से कह सकते हैं कि डोल्ड्रम के इलाके में या फिर ट्रॉपिक्स के इलाके में देखने को मिल जाती है, या फिर कह सकते हैं दिस हैज स्प्रेड फ्रॉम लो लैटिट्यूड से, ये लो लैटिट्यूड सो मिडिल लैटिट्यूड तक ये फैली होती है। तो इस तरीके से आप एक एरिया भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लैटिट्यूड हो जाएगा ये पूरा का पूरा एरिया। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने बात किया टावरिंग ऑफ क्यूमुलस क्लाउड। हम लोगों ने यहाँ पे बातें किया कि जो वार्म एयर होगी वो गर्म होकर के ऊपर उठना शुरू कर देगी। ऊपर उठेगी तो अगेन वही एडियाबेटिक कूलिंग वाला कंसेप्ट। तो एडियाबेटिक कूलिंग वाले कंसेप्ट में क्या होगा कि जैसे जैसे ऊपर होंगी वैसे वैसे क्लाउड फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएगा और ये जो क्लाउड होंगे बेसिकली वो क्यूमुलस क्लाउड टाइप ही होंगे। इनफैक्ट ये आगे जा करके क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बन जाएंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा बेसिकली। तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड आगे जाकर के बनने वाले, अभी जब ये नीचे के लेवल पे हैं, शॉर्ट लेवल पे हैं, तब इसको क्यूमुलस क्लाउड बोलते हैं और इनके पास में अच्छा खासा मॉइस्चर है और इस मॉइस्चर को वो आगे जाकर के रेनफॉल में तब्दील कर देंगे। इस डेवलपमेंट के बाद होता क्या है कि यहाँ से जब वार्म एयर ऊपर उड़ जाती है तो कोल्ड एयर इसको फिल करने के लिए आ जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कोल्ड एयर जो है वो आ रही है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर देखने को मिल जाता है और नीचे की एयर ऊपर जाना शुरू कर देती है। जैसे ही ये थोड़ा सा और ऊपर बढ़ती है ये क्यूमुलस क्लाउड्स कन्वर्ट हो जाते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड में और अब यहाँ पर लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है। लाइटनिंग क्या होती है और कैसे होती है, अभी हम लोग इसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि यहाँ पर क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स जो है वो अब डेवलप हो गए हैं और यहाँ पर ये अब अच्छा खासा एक डीप सेल बन गया है। डीप सेल का मतलब कि नीचे की एयर ऊपर जा रही है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आ रही है बिकॉज ऑफ द हाई वेट, हाई डेंसिटी, हैवी डेंस होने के कारण से वो नीचे गिरना शुरू कर दे रही हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन फिल हो जाती है, बन जाती है, तो ऊपर जाने के बाद ये विंड जो वार्म विंड है ऊपर जा करके एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच रही होती है। अल्टीमेटली यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाता है। इस कंडेंसेशन प्रोसेस में होता क्या है कि चूंकि ये काफी शॉर्ट इंटरवल पे चीजें हुई हैं और इस वजह से यहाँ पर इंटेंसिफिकेशन ऑफ कंडेंसेशन भी हमें देखने को मिल जाती है। इस इंटेंसिफाइड कंडेंसन के कारण से यहाँ पर जो ठंडी हवा हुई है, जो हवा जितनी गर्म हुई है उतनी जल्दी तेजी से ठंडी भी होती है। ठंडी होने के कारण से जो वाटर ड्रॉपलेट्स एक्चुअल में वाटर में बनने चाहिए थे वो आइस में तब्दील हो जाते हैं और यही कारण है कि समटाइम्स यहाँ पर हेल स्टॉर्म भी हमें देखने को मिल जाती है। एंड दिस इज अगेन क्योंकि स्पीड बहुत तेज होती है और इंटेंसिफिकेशन भी बहुत तेज हो जाता है। तो ये पूरी चीज थी जो थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड थी, जो आपको जानना चाहिए था। और इस तरीके से अल्टीमेटली रेनफॉल हो जाती है, थोड़ा मोड़ा बर्फ के गोले, हिल स्टॉर्म्स कहीं कहीं गिर जाते हैं और इस तरीके से ये जो पूरी थंडरस्टॉर्म है वो शांत हो जाती है। तो ये पूरी अगर प्रोसेस के बारे में बात करें तो दिस होल प्रोसेस इज यू कैन क्लासिफाई इट 1 to 2 आवर, मतलब 1 से 2 घंटे में ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अगर थंडरस्टॉर्म के टाइप्स के बारे में बात करें तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ थंडरस्टॉर्म, अलग अलग तरीके से हो सकती है। यहाँ पर जो भी थंडरस्टॉर्म बननी है उसमें क्या होगा कि क्यूमुलो निम्बस क्लाउड को बनना है। ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड कई तरीके से बन सकते हैं। एक तो हो गया कि किसी भी तरीके से लो प्रेशर को जनरेट करा दीजिए, या दूसरा तरीका होता है किसी भी तरीके से फ्रंट बनवा दीजिए, मतलब कि कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास को मिला दीजिए। इन दोनों ही जगहों पे अल्टीमेटली क्या होगी कि मिक्सिंग हो जाएगी, और इस मिक्सिंग के बाद अल्टीमेटली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाएंगे और अल्टीमेटली इनकी रेन शावर हो जाएगी और समटाइम्स हेल स्टॉर्म भी देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे थंडरस्टॉर्म के, तो बेसिकली कुछ टाइप्स दिखाए गए हैं, जैसे एक हो गया कन्वेक्शनल, दूसरी हो गई फ्रंटल और तीसरी हो गई ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म। देख सकते हैं कि सारा का सारा ये जो है रेनफॉल का ही टाइप है। रेनफॉल में भी हम लोगों ने ये पूरे के पूरे टाइप्स देखे थे। कन्वेक्शनल मतलब संवहनीय, जो कि हम लोगों ने इक्वेटोरियल इलाके में बताया था, या फिर बोल सकते हैं कि डोल्ट्रम के इलाके में हम लोगों ने देखा था, इक्वेटर के पास। दूसरी हो गई जो फ्रंटल है, फ्रंटल को हम लोगों ने देखा था कि ये मिड लैटिट्यूड वाले इलाके में हो रही थी। इनफैक्ट जो ऊपर से कोल्ड एयर मास आ रही थी पोलर एयर के, पोलर एरिया से, और नीचे से इक्वेटोरियल एरिया से वार्म एयर मास जा रही थी, और अल्टीमेटली दोनों मिल रहे थे नियर अबाउट 66 डिग्री के अराउंड में मिल रहे थे, और इस तरीके से यहाँ पर फ्रंट फॉर्मेशन हो रही थी। फिर हम लोगों ने देखा था ओरोग्राफिक रेनफॉल, विच इज बेसिकली व्हाट, दिस इज ड्यू टू द माउंटेन्स, माउंटेन के कारण से हो रही थी, और ये हाइट अचीव करने के कारण से एक तरीके से बोल सकते हैं कि ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिली थी, जहां पर हम लोगों ने दो तरीके की बातें की थी। एक किया था हम लोगों ने कैटाबैटिक विंड के बारे में, और दूसरा हम लोगों ने बात किया था एनाबैटिक विंड के बारे में। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यही रेनफॉल जब इंटेंसिफाइड फॉर्मेट में निकल करके आ जाती है, उसी को हम लोग बोल देते हैं कि वो एक थंडरस्टॉर्म आ रही है, मतलब कि आंधी आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो देयर आर आइसोलेटेड स्टॉर्म्स, मल्टीपल सेल थंडरस्टॉर्म एंड सुपर सेल थंडरस्टॉर्म। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, मोर और लेस चीजें सेम ही है, बस आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म है, दिस इज आइसोलेटेड। मल्टीपल सेल में बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, और सुपर सेल में बहुत सारे मल्टीपल, मतलब मल्टीपल का भी जब मल्टीपल हो जाता है तो उसको हम लोग सुपर सेल बोल देते हैं। अगर हम लोग थर्मल थंडरस्टॉर्म्स के बारे में बात करें तो थर्मल मींस व्हाट, थर्मल मींस होता है द इफेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा तो उसके कारण से विंड जो है यहाँ की, जो भी इसकी एयर है वो वार्म हो जाएगी, और इस वार्मिंग के कारण से ये अपलिफ्ट हो जाएंगे, और इस अपलिफ्टमेंट के कारण से यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए कोल्ड एयर ऊपर से आ जाएगी, और इस तरीके से एक सर्कुलेशन यहाँ पर बन जाएगा, और इस सर्कुलेशन को ही बनाने से हमें तुरंत थंडरस्टॉर्म देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दिस इज हाउ द थिंग गोज ऑन, जहां पर आप लो प्रेशर बना गया है, ये लो प्रेशर बन गया बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीटिंग जो कि सनलाइट के कारण से आ रही है, या फिर बोल सकते हैं कि आइसोलेशन के कारण से आ रही है, और अल्टीमेटली ऊपर उठेगा और पहले क्यूमुलस क्लाउड बना देगा, फिर उसके बाद से क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बना देंगे, और इस तरीके से यहाँ पर फिर रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी। समटाइम्स आइस भी यानी हिल स्टॉर्म्स भी गिर रही होंगी। दूसरा तरीका आता है ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म। ओरोग्राफिक थंडरस्टॉर्म में अगेन वही चीज है कि ये मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा माउंटेन है, इस माउंटेन में जैसे जैसे क्लाउड ऊपर उठेगा ये अपना बढ़ते आएगा, वॉल्यूम इसकी बढ़ती आएगी, और अल्टीमेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये कंडेंस कर जाएगा, और हेल्स भी हो सकता है कि यहाँ पर गिर रहे हो। तो अगेन ये वही वो प्रोसेस है जहां पर आप देख सकते हैं कि द मॉइस्ट राइजिंग एयर ऊपर गिर रहे होते हैं। ये पूरा का पूरा इलाका ग्रीन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश होगी, तो दिस इज द कंडेंसिफिकेशन ऑफ द वाटर वेपर। लेकिन जैसे ही दूसरे साइड जाएगा, दिस इज ड्राई एंड डिसेंडिंग एयर, इट इज अ स्टेबल पोजीशन एंड दैट इज व्हाई रेनफॉल विल नॉट बी रिपोर्टेड हियर। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एरिया ड्रॉट एरिया बन जाएगा, सूखाग्रस्त एरिया बन जाएगा। समझ में आ गया ओरोग्राफिक के बारे में। तो अगेन दिस इज अ थंडरस्टॉर्म, और थंडरस्टॉर्म में यही चीज होगी, लाइटनिंग हो जाएगी और कम टाइम पे ज्यादा रेनफॉल देखने को मिल जाएगी। लास्टली फ्रंटल आ जाती है। अगेन फ्रंटल में वही काम होने वाला है कि यहाँ पर वार्म एयर मास आ रही होगी और दूसरे साइड से कोल्ड एयर मास आ रही होगी, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। वार्म एयर मास ऊपर निकल जाएगी, कोल्ड एयर मास नीचे आ जाएगी, और इस तरीके से इस पूरे के पूरे जोन में हमें एक फ्रंट मिलेगा, हमें एक धुंध मिलेगी जिसको बोलते हैं। फॉगी कंडीशन हो जाती है और यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है बिकॉज यहाँ पर प्रेशर, टेम्परेचर और मॉइस्चर सबकी ही मिक्सिंग होने दिखते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि दिस इज द फ्रंटल मूवमेंट, जहाँ पर कोल्ड फ्रंट बना हुआ है क्योंकि यहाँ से कोल्ड एयर आ रही है। सिमिलरली यहाँ पर क्लाउड डेवलपमेंट हो गया है क्योंकि यहाँ से वार्म एयर आ रही है, वार्म एयर ऊपर राइज कर रही है और अल्टीमेटली यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन कर दे रही है। पहले अगेन पहले क्यूमुलस होगा और क्यूमुलस के बाद अल्टीमेटली क्यूमुलो निम्बस यहाँ पर बन जाएगी। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है मिड लैटीट्यूड इलाके में, यानी कि यूएस कनाडा इन सारे इलाके में यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है फ्रंटल थंडरस्टॉर्म। अब हम लोग जरा देख लेते हैं लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म के बारे में। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि क्लाउड्स में ऊपर चिंगारी निकल रही होती है, चिंगारी इन द सेंस कि यहाँ पर लाइटनिंग हो रही होती है, और कई बार देख रहे होते हैं कहते हैं बिजली गिर रही है। तो बेसिकली बिजली गिर क्या रही है और क्या चीज होती है, फटाफट इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में सबको पता है कि वाटर जो होती है ऑक्सीजन के साथ में इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाती है और इसके पास में एक लोन पेयर मौजूद होता है। ये लोन पेयर फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही होती है किसी दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, सिमिलरली अगेन ये लोन पेयर एंड अगेन ये किसी ना किसी हाइड्रोजन बॉन्ड के सहारे यहाँ पर लोन मॉलिक्यूल, ये भी किसी ना किसी सहारे लोन मॉलिक्यूल, एंड देन अल्टीमेटली इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं और ये इस तरीके से बेसिकली कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली किसी ना किसी से फिर कनेक्टेड होगा, अगेन ये कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड होगा, तो इस तरीके का एक हमें पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है। दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा हमें देखने को मिल जाती है, जो भी इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बेसिकली हमें 2.5 टाइप्स देखने को मिल जाता है। एंड दिस अगेन वाई, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिल जाती है। ये सब चीजें आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि बेसिकली आयोनाइजेशन पे इसका H+OH- दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। होता क्या है एक्चुअली, ये होती है जब क्लाउड में क्या होता है कि हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो ऊपर के साइड में रहते हैं, ऊपर के साइड में, और नीचे के साइड में बेसिकली निगेटिव आयंस होते हैं। ये निगेटिव आयंस यहाँ पर रहते हैं, तो बेसिकली क्लाउड जो होती है वो अगेन पोलराइज्ड फॉर्मेट में होती है, लेकिन ये न्यूट्रल होती है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल होती है लेकिन पोलराइज्ड होती है। न्यूट्रल का मतलब कि यहाँ पर ओवरऑल क्यूब के बारे में बात करेंगे, मतलब ओवरऑल चार्ज के बारे में बात करेंगे इस क्लाउड को लेकर के, तो ये जीरो रहेगी। लेकिन अगर इसके आसपास अगर आप किसी भी तरीके का कोई चार्ज पार्टिकल लेकर के जाएंगे तो ये एक अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड दिस अट्रैक्शन इज अगेन व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना दिया होता है और अल्टीमेटली इस तरीके से वो अट्रैक्शन हो रही होती है। होता क्या है यहाँ पर, जब भी नीचे से कोई भी वाटर मॉलिक्यूल आती है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, या फिर कोई डस्ट पार्टिकल आता है, तो डस्ट पार्टिकल बेसिकली निगेटिवली चार्ज होता है और इस निगेटिवली चार्ज के कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, उतना ज्यादा ये विजिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे ही डस्ट पार्टिकल और बाहर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ही यहाँ पर आते हैं, इसकी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। इस बढ़ने के कारण से होता क्या है कि यहाँ पर अब जो कोलिजन पहले हो रहा था वो अब और ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोलिजन के कारण से अब यहाँ पर चार्ज क्लाउड्स बन जाते हैं और इस चार्ज क्लाउड्स के माध्यम से होता क्या है कि यहाँ पर अगेन एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाती है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब कुछ नहीं होता है, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो जा रही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के माध्यम से जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है वैसे ही हम लोग बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, और यही इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हमें लाइटनिंग के फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है। बिकॉज समटाइम्स जब ये चीजें स्पार्क कर रही होती हैं, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक दूसरे के साथ में टकराएंगे वहीं पर स्पार्क हो जाएगा और इस स्पार्क के कारण से लाइट जनरेट होगी और ये लाइट अल्टीमेटली हमें इस तरीके से लाइटनिंग के फॉर्मेट में दिख जाती है। तो आप लोगों को आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी कि लाइटनिंग किस तरीके से देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर फोटोग्राफ के फॉर्मेट में देखा जाए तो ये देखिए इस तरीके की फोटोग्राफ होती है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ऊपर ये लो टेम्परेचर है, नीचे और इस तरीके से टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर देखेंगे तो आपको पॉजिटिवली चार्ज देखने को मिलेगा, दिस इज द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। नीचे अगर देखेंगे तो सेंटर ऑफ द निगेटिव चार्ज हमें देखने को मिल जाती है, दिस इज सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज। और अल्टीमेटली नीचे सबसे बॉटम पे अगेन पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर यही क्लाउड जो होते हैं जब आपस में टकरा रहे होते हैं तो दिस इज अ क्लाउड ड्यू टू एयर और अल्टीमेटली स्पार्क जनरेट कर देता है और स्पार्क के कारण से अल्टीमेटली हमें लाइटनिंग देखने को मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइटनिंग कहाँ देखने को मिलती है? ये देखिए थ्रू आउट द ग्लोब हमें देखने को मिलती है, थ्रू आउट द ग्लोब, लेकिन ये सबसे ज्यादा देखने को मिली हुई है लेक मराकाइबो के पास में। लेक मराकाइबो, लेक मराकाइबो कहाँ पर है? ये है वेनेजुएला में, वेनेजुएला में, और ये है आपका साउथ अमेरिका में। यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइटनिंग देखने को मिली है, मतलब इनफैक्ट 28 लाइटनिंग्स एक साथ देखने को मिली है और जिसके कारण से काफी ज्यादा क्षति भी पहुंच रही होती है। अगर इसके लाइटनिंग के बारे में बात करें, कैसे ये लाइटनिंग आखिर में धरती पर मतलब कि अर्थ सरफेस पे, लैंड पे कैसे पहुंचती है, तो देखिए होता क्या है, यहीं पर देखिए इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लाउड जो है बेसिकली वो चार्ज्ड फॉर्मेट में और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के कारण में ऊपर तो इलेक्ट्रिसिटी है इस तरीके से, जैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी इस वाटर एटमॉस्फेयर के वाटर ड्रॉपलेट के संपर्क में आती है, अगेन ये वाटर ड्रॉपलेट भी चार्ज हो जाता है और इस चार्ज होने के कारण से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आता है वैसे ही जहां जहां ये वाटर ड्रॉपलेट होती है वहां वहां तक ये अपना एक स्प्रेड छोड़ देता है। हालांकि हमारे एयर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होती है, तो मतलब ये जो होती है इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होती है, दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन होता क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर निकल के आ जाती है वहां पर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण से हमें इस तरीके का सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो इनफैक्ट फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इनफैक्ट इसीलिए सिटी में जहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक इस तरीके से लाइंस आ रही होती हैं वो सिटी में एक टॉप पे ही एक मेटल डिटेक्टर लगा दिया जाता है और ये मेटल डिटेक्टर बेसिकली डायरेक्टली लिंक होती है अर्थ से। जैसे क्या होती है, इनफैक्ट एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का भी कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आप घरों में वायरिंग होती है तो इस वायरिंग का हमेशा अर्थिंग किया जाता है। अर्थिंग क्यों किया जाता है? अर्थिंग इसीलिए किया जाता है कि जब भी कोई इस मतलब एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल कोई होगा तो वो अर्थ में चला जाएगा। अर्थिंग किस तरीके से दिखाया जाता है, मान लीजिए कि ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम है, जैसे सपोज द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कमिंग फ्रॉम हियर, मान लेते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पर जो होता है इस तरीके से अर्थिंग कर दी जाती है। तो ये बेसिकली अर्थिंग का साइन होता है। यहाँ पर कुछ कुछ आपने लगा रखा है अलग अलग तरीके की, पंखा लगा रखा है तो कूलर लगा रखा है तो एसी लगा रखा है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, बट अर्थिंग का ये पूरा का पूरा सिंबल होता है। अगर आप कभी इलेक्ट्रिक मतलब 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। चलिए खैर, तो एक आइडिया लग गया बेसिकली कि थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग किस तरीके से होती हैं, कैसे बनता है और कैसे ये धरती पर आ जाता है और किस तरीके से हम लोग। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, इससे नुकसान क्या है, मतलब इससे लॉस क्या होती है? इससे लॉस यही होती है कि जब भी ह्यूमन हीरोगिरी करने बाहर पहुंचता है, मतलब आउटसाइड पहुंचता है, तो ये किसी ना किसी संपर्क में आ जाता है, किसी ना किसी मेटल से रिलेटेड, और फिर ये इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण से इसको इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी थंडरस्टॉर्म आए आप अपने घर में रहिए, सेफ होम हेल्दी होम, ठीक है? तो इस वजह से घरों में रहना चाहिए। जब भी आपको कोई भी थंडरस्टॉर्म या लगता है कि आंधी आने वाली है तो आप लोग घर में हो जाइए, बिकॉज अगर बाहर रहेंगे तो ऑब्वियसली या तो आपको हेल्स आपके सिर पे पड़ जाएगी और आपका सर फट जाएगा, या फिर आपको जो लाइटनिंग्स हो रही है उसके कारण से इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, जिसके कारण से अगेन डेथ हो सकती है। तो बस सेफ होम हेल्दी होम वाली सिस्टम पे चलिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद द टॉर्नेडो। तो देख सकते हैं ये है टॉर्नेडो, जहां पर आप ऊपर देखेंगे तो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ थंडरस्टॉर्म वाली पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर भी आंधी आ रही है, बट दिस आंधी, ये जो आंधी है वो एक ही जगह पर जब कंसंट्रेट होकर के फॉल डाउन करना शुरू कर देती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है एक टॉर्नेडो आया है। दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम साइक्लोन, साइक्लोन से ये डिफरेंट होता है। साइक्लोन जो होती है वो ओशियन सरफेस पे आती है, जबकि ये देख सकते हैं आप लैंड एरिया पर भी आ रखा है। इनफैक्ट ये लैंड एरिया पे जब आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्नेडो, और जब ये ओशियन सरफेस पे आता है इस तरीके का जो ये थंडरस्टॉर्म, जब ये वाटर बॉडी पे आती है, ओशियन पे आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर स्प्राउट्स। अभी हम लोग थोड़ी देर में उसको भी देखने वाले हैं। तो फटाफट देखते हैं इसके बारे में कि टॉर्नेडो क्या चीज है। तो टॉर्नेडो मतलब होता है कि जब एक सिवरल बहुत सारे जो थंडरस्टॉर्म्स स्पाइरल करके जब विंड डिसेंड लाइक ए ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट विद द ग्रेट फोर्स, with a very low pressure at the center causing massive destruction on its way. Such a phenomenon is called as tornado. Now the next question कि ये होता क्यों है? अगेन ये होता इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए लो प्रेशर क्रिएट हो गया है. इस लो प्रेशर के कारण से यहाँ पर एयर जो होती है वो राइज कर जा रही है. दिस इज राइजिंग एयर. राइज करने के कारण से ऊपर जो होती है वो क्लाउड्स बन गए हैं. जब ये इंटेंसिफाई हो जाएगा तो इंटेंसिफाई होने के कारण ऑब्वियसली इस इलाके में वैक्यूम जनरेट हो जाएगी और इस वैक्यूम के कारण से ऊपर की जो एयर है इसी वाले इलाके में केवल और केवल आना शुरू कर देगी. तो बेसिकली इसमें अंतर कुछ नहीं है, बस इंटेंसिफिकेशन है. और इंटेंसिफिकेशन क्यों हुआ है? क्योंकि थंडरस्टॉर्म जो है वो बहुत सारे एक ही जगहों पर आ गए हैं. तो इस वजह से थंडरस्टॉर्म जो होती है वो एक कह लीजिए कि एक पैटर्न में आ जाती है, एक एरिया के अंतर्गत आ जाती है. तो ये वो एरिया है बेसिकली जिसके अंदर वार्म एयर राइज करके ऊपर जा रही होगी और कोल्ड एयर नीचे आ रही होगी और इस तरीके से काफी स्पीड में प्रोसेस हो रही होगी क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिफिकेशन काफी ज्यादा हो रखा है. टॉर्नेडो जनरली अकर इन द मिड लैटिट्यूड्स एंड द टॉर्नेडो ओवर द सी इसको बोलते हैं हम लोग वाटर स्प्राउट्स. तो बस वही, अंतर कुछ नहीं होता है, चीजें सेम होती हैं, बस यहाँ पर लैंड पे गिर रहा है, धरती पे गिर रही है और वहां पर जाकर के समुद्र में गिर रहा होगा. These violent storms are the manifestation of atmosphere's adjustment to varying energy distribution. The potential and heat energies are converted into kinetic energy in these storms and restless atmosphere again returns to the stable state. यहाँ पर चीजें how this tornado or water sprout is getting the energy कहाँ से पा रहा है? यहाँ पर देखिए जो energy है basically वो conversion हो रही होती है. मैंने आप लोगों को शुरुआत से ही बोला है कि एनर्जी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एनर्जी को कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ओरिजिनेट नहीं किया जा सकता है. तो बेसिकली एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है. यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि काफी ज्यादा हीटिंग हो रही है, तो हीटिंग के कारण से थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है. इस थर्मल एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, जो कि कोल्ड विंड जो है ऊपर से नीचे में आ जाती है और अल्टीमेटली इस तरीके से टॉर्नेडो जो है वो सामने देखने को मिल जाती है. टॉर्नेडो होती क्या है? इट इज अ स्मॉल डायमीटर कॉलम ऑफ वायलेंटली रोटेटिंग एयर डेवलपमेंट विद इन अ कन्वेक्टिव क्लाउड एंड इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड. तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं. टॉर्नेडो आकर मोस्टली इन एसोसिएशन विद थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड समर इन द मिड लैटिट्यूड ऑफ बोथ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. दोनों इलाकों में देखने को मिलती है और इसी तरीके की ही चीजें होती हैं. द वर्लिंग एटमॉस्फेरिक वॉर्टिसेस कैन जनरेट द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड नोन ऑन द अर्थ. और ये बहुत ही ज्यादा मतलब 500 किलोमीटर पर आवर के बेसिस पे होती है. इसी वजह से कहा जाता है कि टॉर्नेडो जो होती है वो कार अगर खड़ी है या फिर कुछ भी खड़ा है तो इनफैक्ट जो होती है घरों के जो छत होते हैं, जो टेरेसेस होते हैं, उन तक को तोड़ ले जाती है टॉर्नेडो अगर संपर्क में आ जाती है. तो जनरली जो होता है यूएस में इस तरीके की फोटोग्राफ आपको हर साल देखने को एक आध मिली जाती है. These are often referred to as twisters or cyclones. इसको कई बार ट्विस्टर और साइक्लोन भी बोल देते हैं. Although this is a raw format of definition, ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि साइक्लोन is something different. It has its own conditions of generation और सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं. अब अगर आगे बात किया जाए तो ये देखिए पूरा फंडा है किस तरीके से फॉर्मेशन होती है. यहाँ पर देख सकते हैं टॉर्नेडिक्स थंडरस्टॉर्म है, स्टॉर्म मोशन है ऊपर जो चल रही है, हाई लेवल विंड्स होती आती है, मिड लेवल विंड्स हो जाती है और फिर बेसिकली फ्लैंकिंग लाइंस यहाँ पर गर्म होकर के चीजें ऊपर जा रही हैं और अगेन उसी फॉर्मेट में नीचे भी आ रही हैं. तो देख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्लाउड्स इस तरह से जनरेट हुई हैं, जिस लाइन में ऊपर जा रही हैं देख सकते हैं यहाँ पर ये साइड से ऊपर जा रही है और बीच से ही इंटेंसिफाइड फॉर्मेट में यहाँ पर कोल्ड एयर नीचे आ रही है और इस कारण से अगेन यहाँ पर जो होता है हमें इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल जाती है. इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें टॉर्नेडो का कि कहां कहां आता है. तो देखिए टॉर्नेडो जो होती है वो मेनली यूएस के रीजन में आती है. आप देख सकते हैं दिस इज द यूएस का रीजन. यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स है, थोड़ी मोड़ी यहाँ पर भी देखने को मिलती है, बट बेसिकली ये यूएस में है. इनफैक्ट यूएस में भी फ्लोरिडा का रीजन हो गया, एरिजोना का रीजन हो गया या फिर न्यूयॉर्क का रीजन हो गया, इन सब इलाकों में डुलूथ हो गया, इन सब इलाकों में काफी ज्यादा देखने को मिलती है. इसके अलावा अगर आप आएंगे इस इलाके में भी हमें देखने को मिल जाता है, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी हमें कुछ हद तक देखने को मिलता है और न्यूजीलैंड में भी देखने को मिल जाती है, साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती है एंड यहाँ पर यूरोपियन एरिया, मतलब अगर बात करेंगे कि ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है, तो ज्यादा बेसिकली 3 से 4 इलाकों में देखने को मिलती है। एक तो आपको मिड लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साथ ही साथ में यूरोपियन रीजन में मिड लैटिट्यूड और जापान में देखने को मिल जाती हैं। साउथ में अगर आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को इंटेंसिफाइड फॉर्मेट में देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये कहीं इधर से निकल रही है और इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जस्ट नीचे 30 डिग्री पे ही हमें इंटेंसिफाइड फॉर्मेट में हमें ये टॉर्नेडोज देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर वही ऊपर अगर आप देखेंगे तो 30 डिग्री के बियॉन्ड है। व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग, इसके पीछे रीजन देखिए यही है कि साउथ में ओशियन बॉडीज काफी ज्यादा है और इस कारण से यहाँ पर कूल सरफेस रहता है, यहाँ पर ज्यादा जो है हॉट नहीं होने पाता, इसी वजह से 30 डिग्री के जस्ट नियर अबाउट में ही गर्मी हो जाती है। जबकि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 30 डिग्री का अबाउट में यहाँ तो ट्रॉपिक्स ही बना होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंड एरिया ज्यादा है, इस वजह से हमें 30 डिग्री के बियॉन्ड नियर अबाउट 45 डिग्री के अराउंड में देखने को मिलता है। जबकि साउथ में यही चीज 30 डिग्री पे हमें देखने को मिल जाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन ये ध्यान रखिएगा क्या चीज है। एंड इफेक्ट इज ड्यू टू स्पेसिफिक हीट, रीजन जो है वो स्पेसिफिक हीट है और सबको पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड जो होता है वो मच हायर देन व्हाट वाटर का जो होता है वो वाटर का जो होता है मच हायर देन लैंड होता है, जिसके कारण से अगेन वही एम एस डेल्टा टी, एस कम रहेगा तो डेल्टा टी ज्यादा हो जाएगा, इस कारण से लैंड का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ जाता है। समझ में आ गया क्या चीज है। आगे अगर बात किया जाए तो देखिए ये है बेसिकली वाटर स्प्राउट, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगेन वही थंडरस्टॉर्म कंडीशन बनी है, अगेन वही टॉर्नेडो कंडीशन बनी है, लेकिन ये हो रहा है ओशियन में। ये देख सकते हैं ओशियन है, दिस इज अ बीच एरिया और यहाँ पर जो होता है अगेन वाटर स्प्राउट हो रहा है, वाटर जो होता है गिर रहा है। तो वाटर स्प्राउट ज्यादा कुछ खास नहीं होता है, मोरलेस सेम चीजें होती हैं, टॉर्नेडो की ही चीजें होती हैं और यहाँ पर भी अगेन द इंटेंसिफिकेशन इज ड्यू टू द लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। The water spout is the intense columnar vortex usually appearing as a funnel-shaped cloud that occur over a body of water. They are connected to a towering cumuloform cloud or the cumulonimbus cloud. Weaker than most of its land counterpart, tornadoes, most water spout do not suck up water. They are small and weak rotating column of the air over water. They are tornadoes in connecting with a severe थंडरस्टॉर्म बट सिंपली अकरिंग ओवर वाटर। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि बेसिकली टॉर्नेडो क्या है, वाटर स्प्राउट्स क्या है, थंडरस्टॉर्म क्या है, आपस में डिफरेंस क्या है, इन सब चीजों में क्लियर हो गया। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट टॉपिक्स हैं जो जनरली बुक्स में एनसीईआरटीज में आपको इस पे ज्यादा फोकस दिखेगा नहीं, बट दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफन कंफ्यूज अमंग साइक्लोन्स एंड द थंडरस्टॉर्म एंड टॉर्नेडो थिंग्स। उनको लगता है कि ये सेम चीजें हैं बट दे आर डिफरेंट, ठीक है। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द डैमेज बिहाइंड ऑल दिस, क्यों, क्या होता है इससे, डैमेज क्या होती है। डैमेज देखिए होती है इससे मेनी हजार्डस वेदर इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद द थंडरस्टॉर्म। अंडर द राइट कंडीशन रेनफॉल फ्रॉम थंडरस्टॉर्म कॉज फ्लैश फ्लडिंग किलिंग मोर पीपल ईच ईयर देन हरिकेन्स टॉर्नेडो और लाइटनिंग। हरिकेन्स कहाँ आती है, चाइना के इलाके में आ रही होती है। Lightning is responsible for many forest fires. In fact, not only forest fires around the world each year and causes fatalities. In fact, Amazon में जो आग लगी थी again that was because of the lightning. India में भी बहुत सारी आग लगती है that is again because of lightning. इसके अलावा एक और चीज आप लोग समझ लीजिए कि जैसे फॉरेस्ट फायर जो होती है उसमें ऐसा नहीं होता है कि बस आग लगाया और आग लग गई, नो। जब भी आप किसी पेड़ को जलाने जाएंगे तो आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी जलाने के लिए, बट प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पर पाई जाती है एक पेड़ जिसका नाम है चीड़। ये जो चीड़ पेड़ होती है ये काफी ज्यादा फायर प्रोन होती है। फायर प्रोन का मतलब बहुत तेजी से ये आग पकड़ती है और एक बार जंगल में आग लगी तो फिर फैलने में कितना टाइम लगेगा, तो अगेन इसी वजह से जो है फॉरेस्ट फायर होती है। इनफैक्ट यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये भी आ गया था कि शुड वी रिप्लेस द चीड़ फॉरेस्ट विद सम अदर फॉरेस्ट, क्या हम लोग चीड़ फॉरेस्ट को रिप्लेस कर दें किसी अदर से, क्योंकि हर साल हमें फॉरेस्ट फायर देखने को मिल जाती है। चलेगा हेल अप टू द साइज ऑफ सॉफ्ट वॉल डैमेज कार विंडोज, ये ऑलरेडी मैंने आप लोग बताया कि ये जो होती है छप्पर उठा कर भगा ले जाती है, कार को उठा ले जाती है, बाइक्स को उठा ले जाती है। इनफैक्ट कुछ लोग भी होते हैं वो भी उड़ करके दूसरे जगह पे पहुंच जाते हैं। तो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब मोर देन 120 माइल्स पर आवर स्ट्रेट लाइन विंड एसोसिएटेड विद द थंडरस्टॉर्म, नॉक डाउन ट्रीज, पावर लाइन्स एंड मोबाइल फोन्स। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि काफी ज्यादा दिक्कत वाली चीजें हो जाती हैं ये जितने भी क्लाइमेटिक इवेंट्स होती हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आपने आज थंडरस्टॉर्म एंड टॉर्नेडोज, वाटर स्प्राउट्स के बारे में। हमारा दो टॉपिक और बचा हुआ है, वन इज द नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स एंड सेकेंड थिंग हमारा टेम्परेट साइक्लोन। सक्सेसिवली हम लोग क्लासेस में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे क्लाइमेट के बारे में। कुछ 15 टाइप ऑफ क्लाइमेट्स आर देयर जो कि जीसी लियोंग में लिखी गई हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।